तो भाई मेल जो था ना उठ के भाग गया था, तो इसलिए ये बच्चा ही है बस अकेला। और इनको जो है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह। ये देखें भाई इनको काफ़ी टाइम बाद जाके, बल्कि फर्स्ट टाइम ही समझ लें इनको मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। और कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये आ गए भाई फीमेल। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल भाई साहब मैंने आप लोगों को दिखाई डायमंड डफ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और एक नुकसान हो गया भाई साहब, इसलिए जो सारा मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि नया नज़र लग गया थी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और सुबह भाई मैं सब आया यहाँ सेटअप पे, तो भाई हमारे डायमंड डफ का एक बच्चा मरा हुआ मिला। वो कहाँ से मिला? कबूतरों के घर से मिला। उसने छलांग मारी होगी नीचे कबूतरों का भाई साहब था सिस्टम। ये देखें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो देखें उसने भाई वहाँ से छलांग मारी और वो गिरा सीधा पिजन्स के नेस्ट के अंदर, और पिजन्स ने भाई उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया और वो बेचारा उसकी डेथ होगी। तो आज हमने एक काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, वो ये है कि आज मैंने आप लोगों को मेन चैनल पे भी बताया था कि हम पिजन्स का जो है ना बाहर शिफ्ट कर देंगे जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं हो जाए। उसका बच्चा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, तो एक काम करते हैं उस बच्चे को उठा के और उस पिजन के पैर को उठा के इस वाले केज के अंदर ना शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो है ना अभी डायमंड डफ्स के दो बच्चे और बाकी, ये ना हो कि यार उनकी भी डेथ हो जाए तो काफ़ी बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो भाई साहब जेरी तो उधर है, पैंथर काजल और ब्लैकी कहाँ पे जाएंगी? इनको भाई शिफ्ट कर देंगे हम इस वाले केज के अंदर, सिर्फ रात रात के लिए रहेंगे। अच्छा है, बल्कि जितनी इतना जगह होगी ना हीट अंदर उतनी रहेगी, रात को इनको ठंड नहीं लगेगी। दिन में तो पूरा दिन दोस्त खुले रहते हैं, इसीलिए जो है ना यहाँ पे हमें शिफ्ट करना उनको ज़रूरी है। तो चलें काम करते हैं, अंदर चलते हैं, पेटी उठाते हैं, और सबसे पहले अंदर जाके काम करना है पिजन्स का। भाई साहब पिजन्स के जो पर है ना वो हमने इस टेप की मदद से बांध देने हैं, क्योंकि पिजन्स जो है ना उड़ ना जाए, इसीलिए दोनों को ये काम करना लाजमी है। तो चलो अंदर चलते हैं, जाके अपना काम हिसाब करते हैं शुरू। हाथ पे लगी यार, बहुत ठंड हो रही है। कैसे देख रहे हैं भाई साहब मुझे देखें? वो कह रहे भाई साहब ये पैंथर कह रहा है ये हो ही नहीं सकता कि हमारा घर पिजन्स को दे दिया जाए। पैंथर बस तुम लोग जो है ना पूरा दिन खुले रहते हो यार, इस तरह उनके बच्चे जो है ना डायमंड्स के मर जाएंगे यार, समझा करो पैंथर, गुस्सा नहीं होना, ठीक है? समझ गए हो ना? हाँ वो कह रहा है चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि वो इस कबीले का सरदार है, वो ये नहीं होने देगा कि बच्चे जो है ना उसके इस कबीले के मरे। तो इसलिए पैंथर ने इजाज़त दे दी है, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं रख लो। ठीक है पैंथर, पैंथर गुड हो गया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं इसका पर्दा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि आज धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने जो था ना इसकी शीट आगे की हुई है, कोई भी मैंने खोला नहीं है। तो अभी अंदर चलते हैं, पिजन्स को बाहर निकालते हैं, पेटी शेटी का इंतज़ाम करते हैं और दाने पानी का भी इंतज़ाम करते हैं, फिर इनको अंदर करते हैं। इसे देखें भाजी इसके बच्चों की आप तो आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत ठंड हो रही है यार। तो भाई एवरी के अंदर दोस्तों मैं आ चुका हूँ, रैबिट्स माशाल्लाह से देखें भाई इनको मैंने जो था ना माशाल्लाह से देखें भाई इनको जो था मैंने दोस्तों पालक शालक डाल दें यहाँ पे, तो ये लोग खा नहीं रहे क्योंकि ये लोग हैं भाई साहब फुल, क्योंकि अभी इनसे पहले जो है इनको मैंने दाना डाला, उससे पहले भी मैंने पालक बहुत ज़्यादा इनको ला के डाला था, तो इन्होंने जो है ना खा पी लिया सब कुछ। और हमारे जो कूल हैं दोस्तों माशाल्लाह से यार इनका भी डर जो है ना ख़त्म हो गया है, पहले मैं इनके आगे हाथ करता था, इनके पास आता था ना तो वही फटर करके निकल जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जो डर है वो ठीक हो रहा है। और इसको क्या हो रहा है भाई, मेरे ऊपर चढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? यार इनका पेट फूल है, और फिर भी पता नहीं क्यों ना मेरे पास पास आते रहते, मुझे लगता है इनको ना गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कैरेट, तो इनको जो है ना कैरेट में लाजमी ज़्यादा ज़्यादा डाला के डाला करूँगा ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी अच्छी हो। तो चलें आगे चलते हैं, टेप लगाते हैं पिजन्स को और इनको फिर बाहर शिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो ना इस फीमेल को पकड़ते हैं और इसके दोस्तों पर बांधता हूँ, और उसके बाद फिर हम मेल को पकड़ते हैं, क्योंकि मेल अभी बच्चों के ऊपर बैठा हुआ है, वन आउट जाएगा। ठीक है, पहले फीमेल को पकड़ के इससे पर बांधते हैं और इसको फिर साथ वाली एवरी में छोड़ेंगे, फिर मेल को पकड़ेंगे, सबसे पहले इनका जाके नेस्ट रखेंगे, फिर पिजन्स को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें काम करते हैं। तो अलहमदिल्ला दोस्तों सारे के सारे पिजन्स को भी मैंने मतलब दोनों फीमेल की जो है ना फीमेल को भी दोस्तों पर बांधनी है और मेल को भी, क्योंकि मेल जो था ना अपने बच्चों के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने पहले इसकी एक पर को बांधा, उसके बाद फिर उठा दिया, फिर दूसरे पर को बांधा, तो इस तरह हो गया। तो अभी जो ना फीमेल को मैं इस वाली एवरी के अंदर शिफ्ट करता हूँ और उसकी जो पेटी है ना वो पूरी की पूरी उठा के जो ना सीधा बाहर ले जाते हैं, क्योंकि मेल को जो है ना मैं उठाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी इस तरह पेटी उठाऊँ मैं और इसको जो है ना केज में जाके रख दूँ। तो फिलहाल अभी इस फीमेल को मैंने वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो भाई चलो चलो बिस्मिल्लाह, ओए उधर नहीं जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, डरती बहुत है यार एक तो ही, आ जाओ, तुम कुछ नहीं कहूँगा कुछ नहीं कहूँगा, तो बस चुप करके यहाँ पे आ जाओ, चलो जाओ शाबाश। तो पहले दोस्तों इनका भी यहाँ से नेस्ट उठाते हैं और लेके चलते हैं सीधा बाहर मिलते हैं फिर आप लोगों से इंशाल्लाह। तो भाई मेल जो था ना उठ के भाग गया था,
तो इसलिए ये बच्चा ही है बस अकेला। और इनको जो है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह। चलो भाई ये देखें भाई, इसके आगे जो है ना 200 ईंटें रख देते हैं। अरे 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 अरे, अरे। पागल हो गए हो क्या? तो भाई ये इनका नेस्ट बना दिया है, अब जल्दी से इनके बच्चों इनके पेरेंट्स को उठा के ला के छोड़ देंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, अकेला बच्चा, जल्दी से पकड़ते हैं। को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब इंतज़ार है कि ये ना अपने बच्चे के पास चले जाएँ। अल्लाह करके चले जाएँ, वरना जो ना इनको फिर वापस अंदर शिफ्ट करना पड़ना है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने बच्चे के पास चले जाएँ, क्योंकि उन्हें पता है यार मेरा बच्चा और ये अकेले इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो देखें उनका बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है आराम से, और ये लोग अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दूर होकर देखता हूँ। तो भाई एक दफ़ा अगर कबूतरी चली गई नहीं या मेल चला गया फिर उन्हें पता लग जाए तो ये मुझे गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर ही, कुछ ना कुछ तोड़ के ही रहेंगे। पता नहीं यार ये लोग कब बाहर आएंगे। चलो। तो भाई मुर्गियों जो थी ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, उनके ऊपर चढ़ रही थी बार बार, पिंजरे के ऊपर जाके वो डर रहे थे, तो मैंने उन्हें पीछे भेज दिया। और अब जो है ना देखता हूँ कि भाई थोड़ी देर रात होनी होने वाली, शुक्र है कि भाई रात भी होने वाली है। देखते हैं भाई क्या सीन बनता है, अल्लाह करके जाके बैठ जाएं। लोग नहीं बाज आएंगे, इनको दिल कर रहा मैं सेटअप से निकाल। चलो चले जाओ यार, ये फिर आ रहे हैं। तो भाई मैंने जो है ना एक काम किया, मैंने ना पिजन्स के नेस्ट के अंदर थोड़ा सा दाना डाला है, और मेल पिजन जो है ना दाना खाने के लिए अंदर गया हुआ। अल्लाह करके वो जाके एक दफ़ा बैठ जाए ना यार, सुकून आ जाएगा, वरना मुझे वापस जो है ना इनको छोड़ना पड़ना है अंदर, जब तक फिर बच्चा बड़ा नहीं होता। और इनको मैंने बंद किया, शैतानी कर रहे थे भाई साहब, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे सुकून से। और ये मेल पिजन बाहर आ गया यार, मुझे नहीं लग रहा यार ये जाके बैठेंगे, देखते बाकी क्या करना है। तो भाई इनकी जो पेटी है वो तो मैं अंदर रख के आ चुका हूँ, लेकिन पिजन्स को थोड़ा सा बाहर खोलें, देखें भाई क्या सीन है। आ जाओ भाई, आओ तुम लोगों को मैं बाहर की सैर करवाऊँ। ए आ जाओ भाई, ये देखें भाई इनको काफ़ी टाइम बाद जाके, बल्कि फर्स्ट टाइम ही समझ लें इनको मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। और कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये आ गए भाई फीमेल, माशाल्लाह। ये देखें भाई, तो इनको दोस्तों अभी जो है वापस बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान इन्होंने कर दिया है। मैं सोच रहा था इनको बाहर शिफ्ट कर दूँगा और इनको बाहर भी खोला करेंगे, लेकिन मज़ा आया करेगा। लेकिन भाई ये तो काफ़ी डेढ़ घंटा हो गया तकरीबन इन्होंने, तो इनको जो है वापस बंद करूँगा, क्योंकि ये जो है ना मैं सोचा था इनको यहाँ पे छोड़ूंगा, लेकिन अपने बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन भाई इन्होंने तो मुंह तक नहीं लगाया, और इनको वापस अंदर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन माशाल्लाह बाहर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं परेशानी होना यार, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना पिजन्स के इनको बाहर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इनका बच्चा जो है ना बड़ा हो जाएगा ना, फिर इनको बाहर छोड़ने का भी हमें मज़ा आएगा। डायमंड ऑफ का इन्होंने नुकसान किया, दुआ कीजिएगा यार, अब इनको मैं छोड़ूंगा तो डायमंड ऑफ के जो बच्चे छलांग मारेंगे उनको ये कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचाए। तो इनको चलें बंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर होने वाली है। तो भाई चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, इनको यहीं से जो है ना अंदर कर देता हूँ। चलो जाओ, अरे इधर से ही चले जाओ यार, तो ड्राइवर पता नहीं क्या करने आ जाता है। ये आ गए भाई सब अंदर, और इनका दरवाज़ा खोलते हैं, और ये भी अंदर जाएंगे फिर इंशाल्लाह। इधर से थोड़ा सा बंद करते हैं कुछ इस तरह यहाँ से, बल्कि लॉक मैंने कोशिश तो किया लगाने की। ये भाई साहब खोलो ना, आगे का दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ, लेकिन रैबिट चले जाएंगे यार। रैबिट तुम लोग तो चले जाओ अंदर, चलो साइड पे हो जाओ, पिजन्स को दोस्तों अंदर छोड़ते हैं। आ जाओ भाई, ये अपने बच्चे के पास जाके बैठ जाएंगे, सीधा जाएगा जाएगा इंशाल्लाह। फीमेल भी पकड़ लेते हैं, ये फीमेल घूम रही है। आओ भाई बटेरे, तुमने चले जाना यार, अब खपाना नहीं है, चलो जाओ चलो फीमेल, चलो चलो शाबाश 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 शाबाश। ये गए अंदर, और ये गई फीमेल अपने बच्चे के, जाओ यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फीमेल जा चुकी है भाई, वहीं पे जाके रहेंगे यार इनको, जब तक इनका बच्चा पूरा बड़ा नहीं हो जाता ना। मैं सोच रहा था इनको बाहर छोड़ूं, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि यार उनको वहीं की आदत है, जब इनका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तभी इनको फिर जो ना बाहर दोस्तों। आज के बाद तो आना यार इनको बाहर छोड़, क्योंकि काफ़ी प्यार लग रहा है। फिर मैं दोबारा नीचे कर देता हूँ, ठंड होगी भाई साहब। आजो भाई आजो आजो, चलो ये हो गया, इन लोगों ने बड़ा तंग किया भाई साहब, अब तुम लोग आ सकते हो बाहर। चलो